देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के देवघर दुमका मुख्य मार्ग से त्रिकुट पहाड़ जाने के रास्ते में एक अर्ध नग्न युवती का शव बरामद किया गया। शव के सर के पिछले हिस्से में जहां गहरे चोट का निशान पाया गया है, जबकि गले पर भी निशान है, वहीं शव के पास एक रस्सी भी गिरा पड़ा पाया गया है। साथ ही युवती नीले रंग का सलवार पहनी हुई, जिसमें सलवार शरीर से अलग पाया गया है। सूचना मिलते ही देवघर SDPO पवन कुमार बलबल के साथ मौके पर पहुंच जांच में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों ने युवती को नहीं पहचान सका है। शव बरामदगी की पुष्टि करते हुए देवघर SDPO पवन कुमार ने प्रथम दृष्टया हत्या बताया है और जल्द ही कान का उद्भेदन का दावा किया है। गौरतलब है कि शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरी बरामद हुआ है, प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत होता है। हम लोग हर एक बिंदु का अनुसंधान कर रहे हैं, आखिर हत्या है, हत्या कैसे हुई, कौन किनके द्वारा हत्या की गई है, अनुसंधान के उपरांत ही हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आखिर मामला क्या है।